आप मुझे बता ही नहीं रही, मेरे म्यूट हो। अच्छा, एक दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये जिसमें फाइंड करना होता है नेट प्रॉफिट्स, उसकी ये इक्वेशन दी हुई, ठीक है। तो एक तो आपने फाइंड करना होता है ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले इसके लिए आपके पास ओपनिंग एसेट होगा माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी, तो लास्ट पीरियड के ये क्लोजिंग होंगे, इस पीरियड के ओपनिंग होंगे। इसी तरह ये एंडिंग कैपिटल, ये क्या है, एंडिंग कैपिटल इक्वल एंडिंग एसेट माइनस एंडिंग लाइबिलिटी। तो ये जो करंट पीरियड के एसेट और लाइबिलिटीज दी होंगी उसको अपने यहाँ यूज़ करना है, ठीक है, करंट पीरियड, ठीक है, और ये लास्ट पीरियड के होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो जी आपने पहले, सबसे पहले आपने फाइंड करना ओपनिंग कैपिटल, फिर एंडिंग कैपिटल, फिर नेट प्रॉफिट, एक पे ये हो गया। अच्छा, फिर आता है क्वेश्चन के सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करें डबल एंट्री के अंदर, यानी क्योंकि आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दिया होता है। टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री का मतलब होता है इनकम्प्लीट, इनटू डबल एंट्री यानी कंप्लीट करें, तो पहला स्टेप क्या होगा, आपने कैलकुलेट करनी है सेल्स, कैलकुलेट सेल्स। अब सेल्स में सबसे पहले आपने कैश सेल कैलकुलेट करनी है, ठीक। फिर जी आपने क्रेडिट सेल कैलकुलेट करनी है। कैश सेल के लिए हम बनाएंगे कैश अकाउंट, ठीक है, और क्रेडिट सेल की जी आपने बनाना है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अभी हमने लास्ट टाइम यही किया था ना, जी बस ये, ठीक है। इससे इससे अब हमारी टोटल सेल आ जाएगी, टोटल सेल, ठीक। सेकेंड स्टेप पे आपने कैलकुलेट परचेज, सबसे पहले क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर लें। अच्छा, एक चीज़ हमने, एक चीज़ रह गई हमारा कंट्रोल अकाउंट, वो है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। वो उसका क्वेश्चन था नहीं, मैं करवाया था, तो वो भी आपने करना है, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। क्रेडिट परचेज के लिए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आपने किए, जो आपके पास क्वेश्चन थे उसमें था कोई? जी हाँ, बस उसी तरह ही होना है, बस वो डेबिट और क्रेडिट चेंज रहेंगे। इसमें रिकंसिलेशन हाँ ना, उसमें रिकन्सिलेशन आता है ना, उसका रिवर्स हो जाएगा, जिस तरह सेल एजर में किया था उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है अच्छा, कैश परचेज, ये गिवन इन कैश, कैश अकाउंट, गिवन इन कैश अकाउंट, तो ये वहां से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैं आगे नेक्स्ट, वैसे मैं वीडियो भेज दूंगा, तो रिमूव कर दूं, ठीक जी है। तो पहला ए हो गया, आपने क्या सेल कैलकुलेट करनी है जिसके अंदर कैश सेल और क्रेडिट सेल, और बी में आपने परचेज, ठीक है। थर्ड स्टेप, फिर पार्ट सी है, क्या कहते हैं, एडजस्ट ऑल एक्सपेंसेस। अब आपको इस पे होल्ड कंट्रोल होना चाहिए, याद है, प्री पेड अक्रूड। अब इसमें दो तीन चीज़ें, नंबर वन प्री पेड आपने एडजस्ट करना है, प्री पेड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, ठीक है, टी अकाउंट याद है आपको, मैंने होल्ड लोन कराया था आपको, जी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये तीन चीज़ें, अदर और डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये चार चीज़ें आपको एडजस्ट करनी होगी, या इसके अलावा ऑल एक्सपेंसिव, ठीक है, मेनली ये आते हैं, सही ठीक है। फिर पार्ट डी जी में, अच्छा एक चीज़ और रहेगी पीछे करना नहीं, वो था कैलकुलेट अकुमुलेटेड फंड, कैलकुलेट अकुमुलेटेड फंड, अकुमुलेटेड फंड का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल। इसका फार्मूला सिंपल है कि आप ओ सी यानी ओपनिंग कैपिटल इक्वल ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ सॉरी 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 गलत, अकुमुलेट फंड नहीं, बस वो तो
वो तो नॉन प्रॉफिट में करते हैं, एक सेकेंड। ओपनिंग कैपिटल वही करेंगे, वो तो वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। फिर आपने यहाँ पे करना है कैलकुलेट इनकम स्टेटमेंट और कैलकुलेट बैलेंस शीट, ठीक है। और इसी तरह कैश बुक कैलकुलेट करने को भी आती है, कैश कैश बुक, ठीक है। ठीक है, जी यानी कैश बुक का मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट होगा ज़्यादातर, बैंक अकाउंट, ये अलग से आया था कल। तो ये स्टेप्स हो गए, यहाँ तक क्लियर? जी इसको रिमूव कर दूँ? जी ये सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करना हो हाँ, तो आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं, जी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मेन इश्यू ये आता है कि अब ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये क्वेश्चन सिंगल एंट्री का है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल आपका जैसे वो होता है ना, क्या नाम है, सोल डेटर का जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस है उसी तरह का होता है। तो जी अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई? इसका एक तो ये दिया था, एक वर्ड आया टेकिंग्स पेड इनटू द बैंक, एक तो इस वर्ड से पता लग जाता है, टेकिंग पेड इनटू द बैंक, एक तो ये वर्ड है, ओके। और दूसरा अच्छा, टेकिंग का मतलब क्या है? टेकिंग का मतलब होता है कि बिजनेस ने जो है ना, नॉर्मली वो सेल करते हैं ऑन कैश, ठीक है। जी अब कैश इसका मतलब आपके पास कैश इन हैंड आ गया, आप उसमें से डिफरेंट एक्सपेंडिचर आपने परफॉर्म कर लिया, आपने कोई वेजेस पे कर दी, आपने ड्राइंग कर ली, आपने परचेज कर ली, कैश परचेज कर ली, या कोई और एक्सपेंडिचर आपने परफॉर्म कर लिया, फर्स्ट क्लास आपने 1 लाख कैश सेल से गैदर कर लिया, अब उसमें से 20,000 आपने वेजेस पे कर दी, 30,000 की ड्राइंग कर ली, 10,000 का आपने पेट्रोल मतलब कोई पेट्रोल कोई और एक्सपेंडिचर कर लिया, और ये कितना हो गया, 10, 20, 60, और या कैश परचेज के लिए 10, 70, तो 30 बच गए, 30 आपने बैंक में डाल दिए, तो पूरा 1 लाख हो गया। तो इसको कहते हैं, एक ये वर्ड कॉमन आता है टेकिंग पेड इनटू द बैंक, और दूसरा जो मेन वो लिखा आता है कि जो ऑनर है, बिजनेस 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 डिड नॉट, या आप इसको ऐसे कर देते हैं, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, बिजनेस हैव मिसिंग डेटा, ठीक है, ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू कुछ है, बट एवर डेटा जो है मिसिंग है, तो अब जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उसको देखते हुए आपने उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना, तो इस तरह के कुछ कीवर्ड होते हैं, सही ठीक है। अच्छा, फिर जब आपने कैश अकाउंट बनाना है, अच्छा वो जो टेकिंग पे इनटू द बैंक, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं। तो कैश अकाउंट इस तरह बना होगा, बनाना होता है, जैसे मैंने वेजेस पे कर दी, फर्ज करें 10,000 की, प्राइवेट एक्सपेंस जिसको ड्राइंग कहते हैं, ऐसे अपने हाथ में ले लिए 30,000, और मैंने परचेज कर ली, कैश परचेज कर ली 10,000, अदर एक्सपेंस कोई हो गया उसकी पेमेंट की 10,000, अब ये कितने हुए, 40, 60, तो बाकी मैंने बैंक में डाल दिए 40, ठीक है। अब इन सब का टोटल 1 लाख बना, यहाँ पे आ जाएगा सेल, तो ये बेसिकली आपकी कैश सेल ऐसे आएगी, समझ जी आया क्वेश्चन, ठीक जिसका है ना। तो ये बेसिक, सम होगा वही सेल्स में आएगा हाँ, तो ये क्या, अब आपने वो टोटल सेल फाइंड करनी थी ना, तो जी। एक तो क्रेडिट सेल होगी, क्रेडिट सेल आपने निकाली सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स, और कैश सेल ऐसे आ जाएगी, तो दोनों को मिला के हमारे पर टोटल सेल आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया कि सिंगल एंट्री कैसे करते हैं, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है आपके, क्या नाम है, फाइनेंशियल का,
इतना सही। आसान होता नहीं है, काफ़ी इसके अंदर डिफिकल्टीज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल होती है। तो बराबर एक सेकेंड, ओके नजर आ रहा है पेपर आपको? जी अच्छा, अब देखिए, ये लिखा हुआ है, गैब्रियल इज अ सोल ट्रेडर हु कीप द मिनिमम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब देखिए, एक वर्ड मिनिमम आ गया, इससे भी आइडेंटिफाई आ जाता है कि इसके पास रिकॉर्ड पूरा नहीं है। ठीक, हिज बैंक बैलेंस ऑन 1st June 2006 वाज 7400, ये 7400 आ गया। डेटर ओड हिम 5010 फॉर द ईयर एंड 31st, ये फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई। अच्छा, फिर एट 1st June 2006 गैब्रियल, एट 1st October 2006 गैब्रियल स्टॉप्ड ऑल क्रेडिट सेल एंड डेटर वर नॉट पेइंग ऑन टाइम, दस सेटिंग दस अफेक्टिंग हिज कैश फ्लो। अमाउंट स्टिल ओड बाय डेटर एट 30 September 2007 वर टू बी कंसिडर्ड बैड डेट। ओके, ऑल शॉप टेकिंग, अब ये वर्ड आ गया ना, टेकिंग का वर्ड आ गया, इसमें कॉमन नहीं है, ऑल शॉप टेकिंग, ठीक है ना, इससे जी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। फॉर द ईयर वर पेड इन टू द बैंक, देखें शॉप टेकिंग का मतलब है उसने सेल की है ऑन कैश। वर पेड इन टू द बैंक, वर पेड इन टू द बैंक एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखें, तो वो जो कैश टेकिंग है वो उससे उसने पेमेंट, यानी जो कैश सेल से कैश गैदर हुआ, जनरल एक्सपेंस पे कर दिया है 1100, वेजेस 12000, ड्राइंग 1200 पर मंथ, पेट्रोल पर वैन 80, ये पर। अब ये सारे, यानी जो भी उसके पास कैश गैदर हुआ था उसने इससे पेमेंट कर दी, और जो बाकी अमाउंट बच गया वो उसने बैंक में डाल दिया। ठीक है, अब हमें वो बैंक में कितना डाला वो भी देखना पड़ेगा, वो यहाँ पे आ रहा होगा ऊपर। अच्छा, ये नॉर्मली ये बैंक की डिटेल दी हुई है, ये यहाँ पे आ रहा है पेमेंट, हाँ पेमेंट बाय चेक, पेड इन टू द बैंक, ये शॉप टेकिंग का वर्ड आ रहा है, ये आ गया वर्ड, तो जी ये बैंक में चला गया। ठीक है, अच्छा, अब हमें, क्योंकि इसका मतलब ये कैश सेल कर रहा है, ठीक है, तो हम अब यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट गैब्रियल सेल फॉर द ईयर, अब ये टोटल सेल की बात कर रहे हैं, तो इसको परफॉर्म करने के लिए एक तो आपको कैश सेल की वर्किंग करनी पड़ेगी, यानी कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं, अच्छा, अब ये देखें इन्होंने इस तरह किया हुआ है, हम टी अकाउंट बना के भी कर सकते हैं,
अब ये देखें तो, अच्छा चूंकि पहले ये क्रेडिट पे भी सेल कर रहा था, वो उसने बंद कर दिए, तो अब इसकी टोटल सेल वो कैश सेल है, टोटल सेल कैश सेल है, क्रेडिट सेल उसने बंद कर दी। अब ये देखें तो जो बैंक में पैसा पुटअप किया था वो ये है, ये ड्राइंग का अमाउंट, जो पेमेंट फॉर ड्राइंग और जनरल एक्सपेंस और वेजेस, तो ये सारे इन्होंने ऐड कर दिए, तो टोटल सेल आपकी ये आ गई कैश सेल। इसको मैं टी अकाउंट भी बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इसको टी अकाउंट बनाते हैं कैसे, ये बताइए। तो ये बेसिकली यहाँ लिख देंगे कैश। अब जितनी पेमेंट की हुई है वो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि पहले उसने पैसा गैदर कैश गैदर किया थ्रू सेल, तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक, वहाँ बैंक में डेबिट हो रहा है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 273,200। ड्राइंग्स 1200 पर मंथ है, ठीक है, तो 12 × 1200 करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 14,400। फिर है पेट्रोल, वो भी पर मंथ दिया हुआ है, 80 × 12, वो 960 आ गया। फिर जनरल एक्सपेंस, तो वो 1100, और वेजेस उसने पे की थी 12,000। इन सब का टोटल किया तो ये आ रहा 301,60, यहाँ पे सेल। गॉट दैट? कोई कंफ्यूजन? नहीं समझा समझ आ गया ना? ठीक जी। है, तो ये इस क्वेश्चन में को भेज दूंगा, आपने परफॉर्म कर लेना। अब इसका पार्ट बी पे आ जाओ। तो अब आप पेपर नजर आ रहा है आपको, एक सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है आपको, जी और देखें ये वाला पार्ट हमने पार्ट ए कर लिया, इन सबको ऐड कर दिया, आपके पास टोटल सेल आ गई। इसकी कैश सेल ही टोटल सेल है, आप क्रेडिट सेल कोई नहीं, ठीक है। जी अच्छा अब हम इसका पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी में कह रहा है प्रिपेयर गैब्रियल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 30। तो इसको इनकम स्टेट ही, बेसिकली इसका दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो ये मैं आपको यहाँ से बताया था। अच्छा ये देखें, ये इसकी सेल आ गई जो अभी हमने कैलकुलेट की पार्ट ए में, 301,660। इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का सबसे पहला आइटम होता है ओपनिंग स्टॉक, वो है 22,000। अच्छा वो आपको कहाँ से मिलेगा, 22,000 ये लिखा हुआ है, स्टॉक एट फर्स्ट टूर, नज़र आ रहा है? ठीक, तो ये आपका या फिर इसमें ऐड करेंगे परचेजेस। अच्छा अब देखें इसमें दो परचेज, आप मैंने बताया था परचेज, टोटल परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तो कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। ओ ठीक है, क्रेडिट परचेज मेरे ख्याल नहीं दी भी, देखते हैं। हाँ एक तो परचेज, हाँ परचेज बाय चेक हो रहा है, तो ये भी कैश कैश परचेज, ठीक है ना, तो 182,600, एक तो ये आ गई, और एक परचेज यहाँ पे कुछ दिया होगा, दूसरा अमाउंट कितना है, 212, अच्छा वो क्लोजिंग है तो यहाँ पे दिया होगा, हाँ ये एट 37,72,200। तो हम परचेज लेजर बना रहे हैं, ये मैं आपको बनाया था, यहाँ पे बनाया था परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पे ओपनिंग आता है जो गिवन नहीं है, और यहाँ क्लोजिंग आता है जो कि ये है 21,200, तो यहाँ लिख दूंगा 21,200, और यहाँ बैंक जो आपने पेमेंट की होती है
वो ये आ रहा है, किधर गया? ऊपर, ये 182,600, ये आपने पेमेंट किया है क्रेडिटर को, तो वो इधर आ जाएगा 182,600, यहाँ पर केस आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3,12,03,800, 203,800, क्लियर है? अच्छा हमने एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाया है, इसको हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। यहाँ पे ओपनिंग आपकी आपकी तरफ जो अमाउंट ड्यू होता है, जो आपने देना होता है लास्ट पीरियड का, वो यहाँ आता है, ठीक है, ब्रॉड डाउन करेंगे। और क्लोजिंग पीरियड का उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है एट 30 सितंबर 2007, इसका मतलब है 1 अक्टूबर 2006 को बिजनेस पीरियड शुरू हुआ, 30 सितंबर 2007 को बिजनेस पीरियड एंड हुआ, उस वक्त आपने ये पैसे 2,12,00,000 देने, तो ये 2,12,00,000 ये आ गया। अब आपने पेमेंट किए क्रेडिटर को, तो देखिए परचेज लेजर को डेबिट करेंगे 182,600 से, और बैंक को क्रेडिट करेंगे, ये इसकी जनरेट की है, क्लियर? तो ये हमने इसको डेबिट कर दिया। आपकी लाइब्रेरी काम हो रही है ना, ये कन्फ्यूजन, ठीक नहीं। है, आगे बढ़ते हैं। ये ओके, क्रेडिट पर चेंज हाँ, क्रेडिट पर चेंज, बिल्कुल, होगा हमने पेमेंट कर दी वैसे, और 2,12,00,000 की पेमेंट नहीं की बस। ना? ओके, अच्छा, उसके बाद 3,12,50 क्लोजिंग, ये दी हुई है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आप देख लें, यहाँ पे दिया होगा, यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा स्टॉक एट 30, ये रहा, ठीक है, तो जी ये आ गया, तो ये 3,12,50 रहा। इलेक्ट्रिसिटी 2,400, ये यहाँ पे दिया होगा, ये दिया हुआ, ये ठीक है, ये मिल गया एक्सपेंडिचर, तो ये हमने यहाँ पे वैन मेंटेनेंस 250, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा वैन मेंटेनेंस, ये बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट्स, कुछ पेमेंट हमने बैंक चेक से किए और कुछ हमने कैश से किए, समझ आ गए? जी अच्छा, उसके बाद जनरल एक्सपेंस, सॉरी, हाँ, तो देखें जनरल एक्सपेंस, एक तो ये बाय बैंक थ्रू बैंक भी आपने चेक पी किया है 2,620, और एक जनरल एक्सपेंस आपका ये 1,100, ये जो आपने कैश कैश से पेमेंट की, तो इन दोनों को ऐड करके ये देखिए यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। जी उसके बाद देखें वेजेस 12,000, वो जो आपने कैश अकाउंट से पे किया वेजेस, ये रहा, अगर बाय चेक किया तो वो भी ऐड कर देते, ठीक है। जी तो किधर गया, हाँ, 12। फिर बैड डेट 5,010, इसने लेना था, जिसमें से 3,040 आ गया, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, कितना लेना था, ये रहा 5,010, ये रहा, हमने कितना लेना था, 5,010, ठीक है, जी डेटर से, और डेटर से पैसा कितना आ गया, रिसीट फ्रॉम डेटर, ये लिखा हो, जी तो 3,040 आ गया, तो बाकी नहीं आया, वो आपका बैड डेट में चला गया, ठीक ठीक है है। तो ये रहा बैड डेट कितना आ गया, 1,970, ये बैड डेट हो गया। ये पेट्रोल का एक्सपेंडिचर 960 कैश बुक से आ गया, ठीक, कैश अकाउंट से आ गया, ठीक है, किधर गया, ये नीचे लिखा हुआ है, ये रहा, ये जब आपने टी बनाया था ना टी अकाउंट, ये आपको ऊपर से मिल जाएगा 960, ये रहा पेट्रोल पे, ये रहा कैश अकाउंट, क्लियर? तो जी ये ना, अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन वैन, ये हमने कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने सारे एक्सपेंडिचर एडजस्ट करने हैं, तो ये देखते हैं, ये यहाँ पे दिया होगा, अच्छा, ये भी, हाँ, लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑन द वैन इज प्रोवाइडेड पर एट 20% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करना है, तो इसको हम कहाँ से करेंगे, वैन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2006, तो पिछले साल हमने परचेज की थी ये 6,800, ठीक है, और 6,800 की, अब उस क्योंकि ये पहला साल ही है 1 अक्टूबर 2006, और
30 सितंबर 2000 बिजनेस पीरियड एंड हो रहा है, पहला साल है, तो 6800 का हम ले लेंगे 25%। 6800 का हम क्या ले लेंगे? 25%। 25%। तो आप 6800 इंटू 25% करेंगी तो ये अमाउंट इधर आ जाएगा। अब तो ये जो अमाउंट आ रहा है ना 1700, ये 2500, 25%, ठीक है। ठीक इन सबको ऐड करेंगी तो ये आ जाएगा 2300, ठीक है। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल में से ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते हैं उसको, 84110 आ गया, ठीक है। जी तो यहाँ तक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? जी अच्छा, इसके बाद इसमें ना रेशियो दिए हुए, तो रेशियो याद है आपको? फॉर्मूला से हाँ, तो वो तो अभी सॉल्व साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं ना। करना। ये अभी तो सिंपल वाले हैं ना, ये हमने भी ओ लेवल में आपने किया हुआ है और ऑलरेडी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पहला है ग्रॉस प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, तो इसका मतलब इसका फार्मूला ये है सिंपल, कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है, जी इन 200, ये पहले का तो ये है। फिर लिखा नेट प्रॉफिट एज परसेंट, तो नेट प्रॉफिट परसेंट, नेट प्रॉफिट ओवर सेल। फिर जी है रेट ऑफ स्टॉक टर्न इन वीक्स। अच्छा, एक सेकेंड, ये रिमूव कर दो। नॉर्मली जो स्टॉक टर्नओवर का एक फार्मूला तो ये होता है, जो हम आर ओ टी लिखते हैं, इक्वल, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ। आर ओ टी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ये आंसर देगा टाइम्स में, क्या देगा? जी एवरेज स्टॉक तो पता है ना, एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अच्छा, ये पूछ रहा है वीक्स में, किसमें? वीक में, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसका फार्मूला होगा, ये जो वीक्स में, तो हम आर ओ टी लिखते हैं दोबारा, एवरेज स्टॉक ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखें, अगर आपको डेज में चाहिए तो आप डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 365। अगर आपको वीक्स में चाहिए तो आप 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मंथ में चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको रिवर्स हाँ, तो ये रिवर्स करना पड़ेगा ना, वरना ये टाइम्स में आंसर देगा। वो जो प्रीवियस लिखा था ना, वो आंसर जी टाइम्स में देगा, इन्होंने वीक्स में मांगा है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इन्होंने सॉल्व कैसे किया होगा। ओके, समझ आ गया आपको? जी अच्छा, अब हम चलते हैं पेपर इसके क्वेश्चन की तरफ। तो वैल्यू सारी कैलकुलेट हो चुकी हैं, सिर्फ ये इनको पुट अप करना है फार्मूला के अंदर, ठीक है ना। तो किधर गया, किधर गया? हम ठीक पे, ये क्वेश्चन मैं पेपर आपको भेजूंगा, ठीक है, आपने इसको परफॉर्म कर लेना है, सर ठीक है। और मैं वीडियो भी भेजूंगा, फिर आपने वीडियो से भी अंडरस्टैंड कर सकती हैं। अच्छा, ये देखें, ये देखें ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल। ग्रॉस प्रॉफिट, जी ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल इसके ऊपर दी थी, ये रहा, ये सेल, ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ये सेल है। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखना है, सेल नीचे लिखना है, इन 200, तो ये 35.5% है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नेट प्रॉफिट ओवर सेल, ये रहा नेट प्रॉफिट,
और ये सेल, सेल मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर ही आ रहे। ठीक है, अच्छा जी। ये अब ये स्टॉक टर्नओवर है, ये देखें 26625, ये एवरेज स्टॉक है। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, ये 22,000 प्लस 31,250, दोनों को ऐड कर लें, डिवाइड बाई 2 करें, तो ये आंसर आएगा। और उसको हमने कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड करना है, ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, और फिर बाद में 52 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आंसर आएगा 7.12 वीक्स। गॉट इट? जी फिर उन्होंने रेशियो का कमेंट मांगा है, तो क्या करें, एक्सप्लेन ब्रीफली वन यूज ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो ये रेशियो अलग से भी करेंगे, लेकिन अभी जिसने समझ में आते हैं वो कर ले। तो ये दिया हुआ है कि बेसिकली रेशियो का पर्पज होता है, तो ये लिखा हुआ है रेशियो आर यूज फॉर कंपैरिजन विद अदर फर्म्स ऑफ सिमिलर टाइप विद इंडस्ट्री एंड विद प्रीवियस ईयर पर। तीन यूज होते हैं मेन, जो रेशियो बनाने का मेन पर्पज होता है, टू फाइंड आउट ट्रेंड एनालिसिस, टू फाइंड आउट ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो मेन पर्पज ये होता है कि एक तो लिखा हुआ है रेशियो आर यूज फॉर कंपैरिजन विद अदर फर्म ऑफ अ सिमिलर टाइप। ठीक है, एक तो आपने जैसे अगर आप टेक्सटाइल बिजनेस है, तो अपने दूसरे दूसरे टेक्सटाइल बिजनेस से आपने अपने आप को कंपेयर करना है, विद इंडस्ट्री पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कंपेयर करना है, विद प्रीवियस अपने आप को कंपेयर करना है, पिछले साल से, पिछले लास्ट 2 ईयर 3 ईयर जितने भी आपको कंपेयर करना हो, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, वन गो में आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, मैं आपको पेपर भेज दूँ ये वाला। जी ठीक है, क्लास अभी एंड करते हैं, तो जी आपको मैं वीडियो भेज देता हूँ, और इसके अब मैं ये पेपर और मार्किंग दोनों भेज देता हूँ, आपने इसको परफॉर्म करके फिर ही उठना है। ठीक है, ओके सर ठीक है, तो जी फिर कल की क्लास का आपको मैसेज करके बताता हूँ, ठीक है, कितने बजे होगी। सर तो इसको आपने परफॉर्म कर लेना, और इससे रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चन आपके पास हैं तो वो भी देख लीजिएगा, वरना मैं कल और एक और करवा दूँगा, कल और ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, ये अभी हमें आसान वाला मिल गया तो आसानी से हो गया। ठीक सर है, जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।